चौटाला वर्सेज चौटाला, नैना बनाम सुनैना, किसका खुलेगा खाता। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में 14 चुनाव के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने महिला को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस बार दो क्षेत्रीय पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा है। अब तक इस लोकसभा क्षेत्र से 3 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा है। तीनों ही महिलाओं ने निर्दलीय ताल ठोकी थी, लेकिन वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। इस बार देखना होगा कि दोनों महिलाएं इस सीट पर अपना कितना असर दिखा पाएंगी। हिसार लोकसभा क्षेत्र 9 विधानसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इनमें जींद जिले का 1 उचाना कला, भिवानी जिले की 1 विधानसभा भवानी खेड़ा और 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के आदमपुर, उकलाना, नारनौद, हांसी, बरवाला, हिसार और नलवा आते हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 18 लाख मतदाता हैं। यहां महिला वोटर्स की संख्या 46% है। महिलाओं की इतनी अधिक आबादी के बावजूद आज तक इस लोकसभा सीट से 3 ही महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई है, और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। इस बार 2 और महिलाएं क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से महिला को टिकट नहीं दिया है। 57 साल के इतिहास में पहली बार है कि इस लोकसभा क्षेत्र से 2 महिलाएं किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा क्षेत्र से 2 महिलाओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इनमें सुमित्रा देवी और हरबंस कौर शामिल थी। दोनों ही महिलाओं ने निर्दलीय चुनावी सफर किया, लेकिन दोनों की ही जमानत जब्त हो गई थी। 1996 में विद्या देवी ने भी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा। विद्या देवी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गईं। 18वीं लोकसभा के चुनाव में इस बार चौटाला परिवार की 2 महिलाएं हिसार लोकसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। इनमें जजपा की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला और इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला मैदान में हैं। सुनैना चौटाला भी पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की चाची हैं। नैना चौटाला और सुनैना चौटाला आपस में देवरानी और जेठानी हैं। वहीं उनके चाचा ससुर रणजीत सिंह चौटाला भी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। इस बार देखना होगा कि दोनों महिलाएं इस दंगल में बाजी मारती हैं, या फिर पहले चुनाव लड़ चुकी महिलाओं जैसा ही उनका हाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।